आप सभी भावी शिक्षक व शिक्षिकाओं को जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मुबारक हों जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मुबारक हों जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये आज कहीं कर दिखाया है साथी, जय हिंद। आज आपको बता देंगे साथी कि आज जो है आपका सीटेड एग्ज़ाम को लेकर, पेपर लीक मामला को लेकर, कहीं ना कहीं आपका जो धरना प्रदर्शन था राजीव चौक पर, वो बिल्कुल सफल हुआ है आपका, ठीक है, सक्सेसफुल हुआ है। और आपको बता दें साथी कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं, वरना ये सारी चीज़ें होना बहुत ही मुश्किल था। जैसा कि आज 1 फरवरी था गाइस, और ये चीज़ डिसाइड की गई थी राजीव चौक पे, आपका जो जंतर मंतर पे है साथी, वह विशाल धरना किया जाएगा, और वह बिल्कुल हुआ भी है, किया भी गया है। देखिए आपको बता दें गाइस, जो भी शांतिपूर्ण जो भी चीज़ें थी, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरह से जो है धरना प्रदर्शन आपका किया गया, क्योंकि गाइस आपको बता दें कि हम लोगों की मांग क्या थी, हम लोगों की मांग यह थी कि री एग्ज़ाम हो। देखिए जो सीट आपको बता दें, जो 21 जनवरी को आपका 21 जनवरी को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम था गाइस, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से कह लीजिए या फिर टेलीग्राम के माध्यम से कह लीजिए, पेपर जब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पहले से ही वायरल हो गया, कई हद तक वायरल हो गया, और कहीं ना कहीं 70 से 80% पेपर जो है लोगों के पास पहुंच गया, ठीक है। इस चीज़ को लेके गाइस क्या हुआ कि CBSE जो है इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रही थी, कोई एक्शन भी नहीं ले रही थी, और ना ही इस चीज़ को क्लियर करने के लिए स्पष्ट कर रही थी कि नहीं ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस आज जो है धरना प्रदर्शन किया गया, और इसमें जो है आप लोगों का जो है प्यार और सपोर्ट मिला, इस वजह से ये चीज़ें हो पाई हैं। अब देखने लायक चीज़ ये होगी कि CBSE की तरफ से 1 से 2 दिनों में कौन सी नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं गाइस आपको लेके सभी आपका प्यार और स्नेह की वजह से ही हो पाया है। देखिए आपको बता दें गाइस, CBSE तक हमारी बात पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन आप लोगों के प्यार ने बिल्कुल दिल जीत लिया है, प्यार और सपोर्ट आपका बिल्कुल बना रहा, बिल्कुल कमेंट्स पे कमेंट्स आते ही रहे, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इतना एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल साथ हमारे इस लड़ाई में बिल्कुल दे रहे हैं, और बिल्कुल ज़रूरत भी आप लोगों के इस साथ की गाइस। और देखिएगा गाइस क्या होता है कि अभी तो ये आंदोलन था, आपको बता दें कि अभी ये आंदोलन था, और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो महाआंदोलन भी होगा। देखिए साथी, अभी जो आंदोलन था, और अगर जो ज़रूरत पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन जो है हर एक साथी के साथ में जो है गाइस बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका जो है CBSE के सामने भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें गाइस जो भी होंगी 1-2 दिनों में आपको क्लियर करके बता दी जाएंगी, जो भी करना होगा, जो भी आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी, बस आप लोग जो है गाइस साथ में बने रहिएगा, अपडेट आपको मिलती रहेगी। और गाइस आपको यही सारी चीज़ें निकल के आई थी, आपके हम लोगों की मांग थी री एग्ज़ाम, हम लोगों की जो मांग थी गाइस, या फिर री एग्ज़ाम हो जाए, ये जो पेपर लीक मामला है इसमें बात ये थी कि आपका या फिर री एग्ज़ाम करवाइए, या फिर सभी कैंडिडेट्स को 90 मार्क्स दे के जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, क्योंकि गाइस सीटेट का जो नेचर है वह क्वालिफाइंग नेचर है, इस सीटेट का एग्ज़ाम पास करके किसी को टीचर नहीं कोई बन जाता है, यह सिर्फ एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है गाइस, इसमें जो है मिनिमम जो है 90 मार्क्स लाने रहते हैं 150 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो ये पेपर आपका इतना वायरल हो गया, या फिर आप इसका री एग्ज़ाम करवाइए, या फिर सभी कैंडिडेट्स को 90 मार्क्स देके पास कीजिए, हम लोगों का बस यही वहाँ पे मुद्दा था, और इसी को लेके हम लोग वहाँ पे आज सभी लोग इकट्ठा भी हुए थे। तो यही सारी चीज़ें थी गाइस, और कहीं ना कहीं अगर बता दें गाइस, तो आपका ऑफिशियल कोई नोटिस CBSE ने आज तक अभी तक नहीं कोई जारी किया है। अगर आप CBSE.NIC.IN पे जाएंगे, CBSE सीटेट की ऑफिशियली साइट पे CBSE की, तो अभी तक इन लोगों ने कोई भी जवाब नहीं दिया है, जबकि आप लोग जानते हैं गाइस कि पेपर इतना तेज़ी से वायरल हुआ है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में हर जगह पे न्यूज़ कहीं ना कहीं छपी हुई है, गाय घाट को लेकर ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए कि कई लोग पकड़े गए हैं, तो ये चीज़ें जब निकल के आ रही हैं न्यूज़पेपर में, और भी अगर अदर स्रोत से आ रही हैं, तो फिर CBSE आखिर क्यों नहीं संज्ञान ले रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं छात्र बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके, और यह एक कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना है, क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट सही है, स्टूडेंट जो सही हैं उनका क्या हो रहा है कि वो हर दिन घुट घुट के जी रहे हैं कि ये आखिर चल क्या। बच्चा 6 महीने तैयारी करता है कि CTET का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और वह ज़ोर शोर से अपना तैयारी करता भी है, फिर जो एग्ज़ाम होता है बाद में पता चलता है कि आपका तो पेपर लीक हो गया है, तो बहुत तकलीफ़ होती है उस टाइम पे, जो है बहुत तकलीफ़ होती है, फिर मन में यही आता है कि यार मेरी दिन
रात की पूरी मेहनत बेकार हो गई, बच्चा कहीं कोचिंग जा रहा है, कहीं मैराथन क्लास ले रहा है, कहीं पे वह लाइब्रेरी ज्वाइन की है, तो ये सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं अंदर से टूटने लगता है कि यार जब इस एक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सिर्फ क्वालिफाइंग वाले पेपर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो आपका सुपर टेट जैसे या फिर डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम है, एमबीएस केबीएस जैसे एग्ज़ाम में गाइड क्यों ना होगा, या होगा नहीं उसमें भी होगा, तो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अभी से अगर नहीं रोकी गई तो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और हम तो गाइज यही कहेंगे कि ये जो पेपर लीक वो इसमें एक जांच भी हो, इसमें एक जांच हो और इसके कहां तक ये गलत हैं इसको पकड़ के लाया जाए, जो भी दोषी हैं इनको गाइज सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो यह होती है कि पेपर लीक ही ना हो, अगर ऐसा हो जाता कि पेपर लीक ही ना हो, आए दिन साथ ही बता दें कि आए दिन जो है धरना प्रदर्शन चलता रहता है, अभी बिहार जो है गाइज रेलवे को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और यही सारी चीज़ें थी, एक हालांकि इस बीच में गुड न्यूज़ देखने को मिली है, एक नया कानून बन रहा है जिसका नाम है लोक परीक्षा कानून। लोक परीक्षा कानून जो गाइस बनने वाला है, इसमें जो है संसद से अभी तो यह पारित होगा, और संसद से पारित होने के बाद में क्या होगा, इसमें जो है 10 साल तक की जो भी आप मेन रहेगा माफिया, ठीक, मेन माफिया जो रहेगा उसमें उसको जो है 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये चीज़ है अभी संसद में पारित होने वाला है गाइस, ठीक है, इसका जो घटा है कल कर दिया गया है बजट सत्र में, और ये चीज़ें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत उस टाइम पे बहुत अफसोस होता है गाइस जब यह जैसे आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे एग्ज़ाम में जो है इतने बड़े पैमाने पे धांधली होती है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, और तब उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। और गाइस हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बता दें यह जो लड़ाई है हम लोग की हक की लड़ाई है, और हम लोग जो है सिर्फ जवाब मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सीटेट से हमें सीबीएसई की साइड से हमें आखिर क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, जो पेपर लीक मामला है उसमें जो है सुनवाई हो और वो भी छात्र हित में हो। यही तमाम सारी चीज़ों को लेके आज हम लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, जो भी चीज़ें होनी है इसी एक हफ्ते में हो जाएंगी, ठीक है। सीबीएसई क्या एक्शन लेती है क्या नहीं लेती, वह अपना आंसर की जारी करती है या फिर उसके बाद रिजल्ट जारी करती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, ये तो गाइस 1 से 2 दिनों में आपको पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं गाइस ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, ये तो तय है। हम लोगों की साफ सीधी मांग है कि बच्चे के स्टूडेंट्स के हित में सारा चीज़ें रहें, पेपर लीक मामला हुआ है तो आखिर इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, बस हम लोग यही चाहते हैं। और अब बात कर ली जाए अगर बीपीएससी की बात कर लें, तो बीपीएससी में टीआरई 3.0 को लेके बात कर लें गाइस, हम लोग आपको बता दें कि हम जो है शाम को आपको पूरा आपका डेली का दिन भर का एनालिसिस लेके आते हैं और हर एक मुद्दे को लेके बात भी करते हैं। तो देखिए अब बात की जाए टीआरई 3.0 की गाइस, तो इसमें हम बता दें जैसा कि न्यूज़ में निकला था 65 मतलब कि 65,000 वैकेंसी आएंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं साथी और बढ़ गई हैं 71,000 प्लस और भी मान लीजिएगा, तो 80 से 90 या फिर 1,00,000 तक जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं, और वो वैकेंसी आपकी 1 to 5, 6 to 8 और आपका 9 to 12 रहेगी। 1 to 5 में क्या मांगा गया है, सीटेट का जो आपका फर्स्ट पेपर है वह मांगा गया है, आपका 6 to 8 में आपका सीटेट का सेकंड पेपर, और आपका जो 9th से आपका 12th तक है गाइज वहाँ का एस्टेट मांगा गया, ठीक है, ये चीज़ें मांगेंगे। ये सीटें आखिर बढ़ी क्यों है, देखिए बढ़ने का रीज़न ये गाइज क्योंकि बहुत से लोग जो है वहाँ जो भी TRE 1 या TRE 2 में सिलेक्ट हुए थे वो लोग कुछ लोग जैसे जॉब छोड़ रहे हैं, ठीक, उनका अदर सिलेक्शन कहीं हो गया है या फिर जो भी फेक कैंडिडेट से उनको हटाया गया है, ठीक है, और सीटेट में अगर किसी के जैसे नंबर कम थे, ठीक है, सीटेट में अगर किसी के नंबर 90 से कम थे उनको भी हटाया गया अगर वो अदर स्टेट के हैं, इस वजह से ये भी चीज़ें हैं। और बायोमेट्रिक में भी आप लोगों ने देखा कि काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ से छटनी हुई है, वहाँ से भी हटाए गए हैं, तो यही तमाम सारी रीज़न है और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है इस वजह से लेके कहाँ पेपर 24 अगस्त को होना था हर साल और ये पेपर आपका जो है गाइस सुनने में आ रहा है कि जो है 15 मार्च, ये सुनने में आ रहा है कि आपका न्यूज़ में भी आया है ना, तो 15 मार्च के समथिंग आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और 15 फरवरी से जो है के पाठक जी ने जो है
हालांकि पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है ये 22-24 वाला सत्र इसमें इंक्लूड करेंगे, पहले डीएलएड का एग्ज़ाम होगा, देन आफ्टर हम लोग जो है वैकेंसी लाएंगे। लेकिन अब क्या है, चुनावी माहौल की वजह से ये लोग अपनी बात से मुकर गए हैं और कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में लगा रहे हैं। चुनावी इनको वादा भी तो करना है कि हमने इतनी वैकेंसी ला के और जो है इतने कम टाइम में जो है इतनी वैकेंसी सीटें फुल की हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और भले ही उसको फिर पूरा कर पाएँ ना कर पाएँ, क्योंकि आज भी गाइस सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये लोग नहीं जारी कर रहे हैं, पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनका बन चुका था। ये लोग ये क्या करते हैं क्या नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे रोक लगा दी गई, अब ये वैकेंसी उसी में जोड़ी जाएंगी, तो यही सारे माहौल चल रहा है इस टाइम पे। कब क्या हो जाए बिहार में कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि जो बीपीएससी है उसका काम बहुत फास्ट है, सीबीएसई को सीखना चाहिए बीपीएससी से, काम इस मामले में बहुत फास्ट है और कहीं ना कहीं बच्चे का रिप्लाई भी बहुत फास्ट करती है। अगर थोड़ा सा मुद्दा उठता है तो तुरंत जो है अतुल प्रसाद जी जो है इस पर आके कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें खैर ठीक हैं और इसमें अपेयरिंग वालों को देखिए मौका वैसे मिलना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता ये तो चीज़ें अभी 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि 1 से 2 दिनों में जो है पूरा डाटा मांगा गया है, कितनी वैकेंसी हैं, इम्पटी कितनी खाली हैं, कितनी क्या है ब्यौरा पूरा जो है 1 से 2 दिनों में, मतलब कि 5 से 6 दिनों में जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। और हालांकि ये चीज़ अभी ऑफिशियली नहीं आई है, सारी चीज़ें जो है न्यूज़ में हैं और कहीं ना कहीं ऑफिशियली आने में जो है 5 से 6 दिन का आपको वक्त इसमें लगेगा, ठीक है। और जो है 2 से 3 दिनों का, क्योंकि डाटा मांगा है, 5 से 6 दिनों में ये चीज़ें क्लियर कर देंगे। और जो आपको बता दें जो बिहार में जो महिलाएँ हैं गाइस उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आपको बता दें जो आपका TRE 2 हुआ था उसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं, ठीक, अधिकतर महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था मेरा मतलब है। तो यही सारी चीज़ें गाइस आप लोग जो है बस तैयारी भी करते रहिएगा और जो धरना प्रदर्शन ये तो चल ही रहा है। और अब क्या आगे की क्या प्रोसेस है, क्या कार्रवाई की जाएगी क्या नहीं, इसमें भी आपको बहुत जल्द अपडेट मिलने वाली है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया गाइस और ऐसे भी बनाए रखिएगा, और जो भी पल पल की अपडेट है आपको जो है इसी चैनल से मिलती रहेगी। वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जगह सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।